बिलासपुर जिला के अमरपुर पंचायत के तहत पनोल का तालाब आज अपनी अनदेखी के चलते बदहाली के आंसू बहा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि तालाब में कई क्विंटल मछलियां मर चुकी हैं, जिसके कारण चारों तरफ केवल बदबू ही बदबू फैली हुई है। जहां एक ओर घरों का गंदा पानी और कूड़ा कचरा तालाब में मिलने से तालाब का पानी दूषित हो रहा है, तो वहीं मत्स्य पालन के क्षेत्र को भी नुकसान पहुँच रहा है। बिलासपुर जिले के अंबरपुर पंचायत के तहत पनौल का तालाब आज अपनी अनदेखी के चलते बदहाल स्थिति पर पहुंच गया है, जिसका नतीजा ये रहा कि तालाब में कई क्विंटल मछलियां मर चुकी हैं और चारों तरफ केवल बदबू ही बदबू फैली हुई है। जहां एक और घरों का गंदा पानी और कूड़ा कचरा तालाब में मिलने से तालाब का पानी दूषित हो गया है, तो साथ ही मछली पालन के क्षेत्र में एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। वही मछलियों के मरने के बाद जहां बदबू के फैलने से ग्रामीण परेशान है, तो वहीं तालाब की जल्द सफाई करवाने और इसे सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय ग्रामीण अपील कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मछलियों के मरने के पीछे कारणों की जांच करवाने के साथ ही जल्द ही तालाब की सफाई करवाने और आगे इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए तालाब के चारों ओर दीवार बनाने की अपील की है। वहीं इस संबंध में बिलासपुर उपायुक्त राजेश्वर गोयल से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि पनौल ताल के रखरखाव के लिए स्थानीय पंचायत द्वारा एक व्यक्ति को टेंडर किया गया, मगर आपसी विवाद के चलते पनौल ताल की उचित सफाई नहीं हो पाई है। इसके साथ ही उन्होंने तालाब से मरी हुई मछलियों को जल्द निकालने और तालाब की सफाई करवाने के संबंधित विभाग को आदेश दे दिए हैं। नौल में एक तालाब है जो कि पंचायत के तत्वाधान में वहाँ पे जो फिश फार्मिंग की जाती है, किसी गवर्नमेंट स्कीम में वो शुरू की गई थी कुछ वर्ष पहले, और कुछ वर्ष पहले भी इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ था। स्थानीय पंचायत ने इसको लीज पे दिया हुआ था किसी व्यक्ति को, और आपस में उनका कोई विवाद रहा होगा, जिसके कारण जो है कि पंचायत ने एक उनको परमिशन नहीं दी, और जो बताया गया कि उसने डैमेज रिपोर्ट जो है डैमेज के बारे में केस जो है ये जो है सिविल कोर्ट में गुमारवी में दायर किया है। जो हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं और जो स्थानीय पंचायत है, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा, बल्कि मैं निर्देश भी देता हूँ कि भविष्य में इस तरह की स्थिति ना हो। और एक और अपील भी करना चाहूँगा कि इसमें बताया गया कि काफ़ी जो है कूड़ा वगैरह जो है और प्रदूषण जो है फैलाया जा रहा है, तो इस तरह का ना हो, क्योंकि जो हमारा बिलासपुर ज़िला है यहाँ पर जो है ब्लू रेवोल्यूशन की बहुत अधिक संभावना है, तो हम तो इसको प्रमोट करना चाहते हैं। तो अगर इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे तो इससे तो एक सेटबैक होगा विभाग के प्रयासों को भी, और हमारी इकोनॉमी भी जो है सफ़र करेगी। तो अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं इनको कंजर्व किया जाए, और इसमें अगर कोई विवाद है पंचायत का उनका, तो समय रहते इसका निपटारा करें। ये पनौल ताल है और इसमें एक एक के बाद एक मछली मरी जा रही है, और इससे बहुत बदबू फैल रही है, और जिससे बीमारी का डर भी हो रहा है। तो इससे प्रशासन का यही है कि इसे साफ किया जाए, हाँ जी, बाउंड्री वगैरह भी की जाए जिससे ये सफाई हो जाए। सर, इसमें पनौल नाम है जगह का, नाम तालाब ही पनौल नाम से प्रसिद्ध है। बाकी इसमें मछलियाँ जो मर रही हैं ना, इसका जैसे मरने का कारण है बदबू पड़ी हुई बहुत ज़्यादा, और इसकी गंदगी से वजह से फैल रही है, कि किस चीज़ से इसका जांच की जाए। तक बाकी जो इसकी तार की जो टोटल मछली है, इसको यहाँ से निकाल दिया जाए। जो बदबू फैल रही है बहुत ज़्यादा, और यहाँ बैठ नहीं सकते लोग, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बीमारी का डर वाला वहाँ से बहुत ज़्यादा। ये पनौल ताल कहते हैं जिसको, और इस ताल के नाम से मशहूर है, बस स्टेशन भी है यहाँ पनौल ताल के नाम से, और इसमें मछलियाँ डाली हुई हैं, और ये पता नहीं अब पानी की वजह से गंदे की वजह से मर रही हैं या क्या कारण है। तो इसका ऐसा नहीं कि छानबीन होनी चाहिए क्या कैसे मर रही हैं। हाँ जी, इसकी सफाई होनी चाहिए, और जो जितना माल बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं 1 किलो से लेकर आगे तक बहुत 5-6 किलो की मछली है इसमें, तो इसको निकाला जाए और मार्केट में दे दिया जाए, और पैसा जो है पंचायत को दे दिया जाए। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।